और बहुत नुकसान होकर है, बिल्डिंग को भी होकर है, जाना बच गए। तो जो काम है अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे, उन्हें नहीं करे तो मैं आपको करा देता हूँ। लोकल एमएल है मैं, स्पॉट को आपको अमेज करेंगे, आप स्पॉट को आपको स्पॉट में क्या है क्लियरेंस हमें करने को तैयार है। एलएनटी वालों की तरफ से और मेट्रो वालों की तरफ से आपका काम करने में ताखीर हुई तो मैं खुद खड़कर आप लोगों के काम की जिम्मेदारी लूंगा। घरों का मेट्रो वालों की वजह से हुआ है, हमारे बीवी और हमारी माँ और मेरा छोटा सा बच्चा ये आग के अंदर दब गए थे। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बंबू बाज़ार में यहाँ पर जो मेट्रो का काम चल रहा था, आप देख सकते हैं मेट्रो के काम की वजह से यहाँ पर जो गैस सिलेंडर्स थे और एलपीजी सिलेंडर्स थे उसमें आग लगने की वजह से आग पहलती पहलती तकरीबन यहाँ पर जो 4-5 घर हैं उन घर में आग घुसने की पूरी 90% चांसेस थी। वहाँ से लोग जल्दी जल्दी खाली हो गए। जो मेट्रो स्टेशन जो काम चल रहा है वहाँ के एक अधिकारी ने भी इनकी आके कोई मदद नहीं की, वो वहाँ के इंजीनियर हो, वहाँ के वर्कर्स हो, किसी ने आकर एक आदमी भी यहाँ पर मदद नहीं की। जो यहाँ के लोकल जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने आकर यहाँ पर भरपूर मदद की है और इनकी ये डिमांड ये है कि यहाँ से जल्द इस जो ये जो टैंक्स लगाए हुए हैं, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, इसको तुरंत शिफ्ट करें। काम चल रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि मेट्रो काम शिवाजी नगर में चल रहा है। इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, अगर भरपाई नहीं करेंगे तो मेट्रो स्टेशन में हो या स्टेशन के पास हो वहाँ पर जाकर ये लोग धरना करेंगे या जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं जिस घर में आग लगी थी उनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है किस तरीके से यहाँ पर आग लगी। कि आग लग गई थी बंबू बाज़ार में मेट्रो के काम की वजह से। मेट्रो काम चल रहा है यहाँ, वो वेस्टेज का जरा रखा हुआ था, वो वेस्टेज जगह में जरा शॉर्ट सर्कुट कर बोल रहा है, अभी फायदा नहीं, क्लियर नहीं होगा। वो जरा आग लग को जरा क्या भी प्रॉब्लम है, वो एक तीन घर को जरा प्रॉब्लम हो गए, वो तीन घर को भी एमडी अंजुमन परवेश का एमडी का पास बात करके आए, वो रिपेयर करके देता कर बोल कर मेट्रो कमिश्नर अभी रेडी करके देता है, वो क्या प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करने का हमें तैयार है। और बंबू बाज़ार का लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम जो आया था वो भी हमें सॉल्व करने को मैं इसमें वर्क बोर्ड में रेडी कर रहा है, वो भी रेडी करा को देते हैं। सर, लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए, एलपीजी सिलेंडर की वजह से आग लगाए करके बोल रहा है। वो फाइंड आउट करके वो क्या प्रॉब्लम है उन देखो रेडी करता है। सर, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಟೀಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇ ಎಂಡಿಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಿನಿ, ಮಂಜುಮನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹತ್ರ, ಅದೇನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗಿಸಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ। ಸರ್, ಲೋಗನ್ ಕಾ ಯೇ ಭಿ ಕಹನಾ ಹೈ ಅಗರ್ ಉನ್ಕಿ ಮಾಂಗೆ ಮತಲಬ್ ಜೋ ಭಿ ವೋ ಜೋ ಕಾಮ್ ಹೈ ಅಗರ್ ನಹೀ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಕರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಗೆ। ಉನ್ಹೇ ನಹೀ ಕರೆ ತೋ ಮೈ ಆಕೋ ಕರಕ್ ದೇತಾ ಹೂಂ, ಮೈ ಆಜ್ ಸೇ ಕರ್ಕೋ ದೇತಾ ಹೂಂ। ಲೋಕಲ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೈ ಮೈ, ಸ್ಪಾಟ್ ಕೋ ಆಕೋ ಅಮೇಜ್ ಕರೆಂಗೆ, ಆಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೋ ಆಕೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಮೇ ಕರ್ನೆ ಕೋ ತಯಾರ ಹೈ। बताइए आज यहाँ पर जो आग लगी थी क्या वजह से लगी थी और क्यों आग लगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का करोड़ों एहसान, किसी की जान को ख़तरा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये मेट्रो का काम चल रहा है उधर, मेट्रो के काम की वजह से बहुत सारे वेस्टेज चीज़ें एलएनटी वालों ने उधर कोने में इकट्ठा करके हैं। लेकिन अब ज़रा खुद पहले एमएलए साहब को लेकर गए थे तो स्पॉट का मुआयना किया, उधर का जायज़ा लेने के बाद उधर के इंजीनियरों ने यह बोला कि भाई सर इधर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, शायद कोई लेबर ने सिगरेट कुछ पीकर उधर डाल दिया रहेगा, उसकी वजह से आग लगी है। फिर भी हम पूरी तहकीकात कल तक आपको बोलेंगे बोलकर एमएलए साहब को बोले हैं और एमएलए साहब भी उधर इंजीनियरों को ये एक बात बताकर जाके हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है इमीडिएट कल का कल आप लोग उनका काम करवा के दें और उन लोगों का जो कुछ भी नुकसानात होकर है उसके लिए अंजुम परवेज साहब को भी उन्होंने फ़ोन के ज़रिए से रब्ता करके उनको भी बताया है कि उधर तीन घरों को, ख़ास करके हमारे कांग्रेस लीडर वसीम साहब का घर था उधर और उनके घर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है और इनका साकिब सेठ, इनके घर के अंदर सिर्फ पावर का प्रॉब्लम हुआ है। ये इतना हमारे जानकारी के सामने आया और क्योंकि इन लोगों ने भी यही बता रहा है कि सर हमारे दो घर कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए एमएलए साहब ने ये भी गारंटी दिया है कि अगरचे कल एलएनटी वालों की तरफ से और मेट्रो वालों की तरफ से आपका काम करने में ताखीर हुई तो मैं खुद खड़कर आप लोगों के काम की जिम्मेदारी लूंगा, मैं आप लोगों का काम करवा के दूंगा बोलकर एमएलए साहब ने उन लोगों को भरोसा दिया। बराबर क्या भाई?
बीच। सर वहाँ पर आग इतनी तेज लगी थी कि घरों में जो टाइल्स लगे हुए थे टाइल्स तक गिरने लगे, इतनी तेज आग लगी थी, तो किसकी लापरवाही? जी जी, सिंटेक्स टैंकर थे उधर, और उसके साथ साथ जैसे आग लगी है तो उस हिसाब से उधर सिलेंडर थे, सिलेंडर बस्ट हुए हैं, उसकी वजह से इतनी तेज आग लगी है। और अल्लाह का करम है कि भाई फायर ब्रिगेड ने जल्दी आकर उस आग पर काबू पाई। आपका क्या तावुन रहेगा सर? इंशाल्लाह एमएलए साहब ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, मुझे और अब्बास साहब को और असलम साहब को और इम्तियाज़ साहब को और तारिक को, तो जल्द से जल्द इन लोगों का काम करवा कर दो, और कल का कल जाकर अंजुम परवेज साहब से मुलाकात करके इन लोगों की जो नुकसानात होकर हैं उसको भरपाई करो और उनका काम करवा कर दो बोलकर हम लोगों को हिदायत दी है। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग अमल करें। ख़ास करके एमएलए साहब मुलाकात करने आए सो कांग्रेस लीडर वसीम के घर को जाने के वास्ते, और उससे साथ साथ हमारे दोस्त साकिब मेरा छोटा भाई है, इनके घर को मुलाकात करने के वास्ते आए थे। सो तो वैसा जागो सबसे पहले इंजीनियर से मुलाकात कर ले, और वसीम हमारे साथ ही छा गए, उसकी वजह से बात कंप्लीट वहाँ नहीं हो पाई। लेकिन इसके साथ साथ मैं बम्बू बाज़ार वालों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो कुछ भी आपकी शिकायत है इंशाअल्लाह आपको सही छाना लगर से चाहिए तो वसीम से भी रब्ता कर सकते हैं, साकिब से भी कर सकते हैं, असलम साहब से भी बात कर सकते हैं, अरबाज़ हैं, तारिक हैं, मैं हूँ, इधर बम्बू बाज़ार में ऑफिस खोले हैं नवीद, दाऊद, सज्जाद, हर किसी से आप रब्ता कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत का काम जो है वो इधर से करवा सकते हैं। ख़ासकर बम्बू बाज़ार की दुकान को लास्ट टाइम मैं मुलाकात करने गया था इनफरादी तौर पर, तो उस टाइम पर जब से वो दुकान जल को दो अढ़ी साल तीन साल, तब से अब तक उनका फिर उनको रीबिल्ड करके देने की कोई बात नहीं करके हैं बोलकर उन लोगों ने एक एतराज़ जता रहे थे। तो उसके बाद मैं उनकी बात सुनकर आके वो शिकायत जमीर अहमद खान साहब के पास भी और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब एमएलए हैं के उनके पास रखने के बाद उन लोगों ने मुझे भरोसा दे के हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उन दुकानदारों से मुलाकात करके उन दुकानदारों को फिर रीबिल्ड करवा के उन दुकान के ओनरों को फिर से दुकानें देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बोलकर मुझे भी भरोसा दिए हैं। इंशाल्लाह उन दुकानदारों को मैं आपके ज़रिए से मैं एक भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह एमएलए साहब से बातचीत हो गई है और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से बात हुई है, और आप लोगों को मैं जो मैं आपसे वादा करके गया था इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों के पास जमीर साहब को भी और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब को लेकर आता हूं बोलकर मैं लेकर ज़रूर आऊँगा और आपकी दुकानों को फिर से कंस्ट्रक्शन करवा कर आप लोगों को दिलवाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है, बम्बू बाज़ार में रहता हूँ, और ये मेट्रो का जो नुकसान हमारे मोहल्ले में हुआ है वो जो केमिकल रखे हैं और सिलेंडर थे गैस सिलेंडर घरों का मेट्रो वालों की वजह से हुआ है, और मेट्रो वाले क्या करें वेस्टेज रखे थे और गैस सिलेंडर्स और केमिकल से उस वजह से वसीम भाई का घर सामने पूरा ये होकर जल के है, और हमारे घर में वाटर सिंटैक्स और सीसी कैमरेज और पूरा जो सामने का प्लास्टिक है बस इतना नुकसान है, और इंशाल्लाह अभी इलेक्ट्रिक पूरा पोल जल के तीन घरों में भी करंट नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक से जो पूरा इलेक्ट्रिक का जो सीडी टीवी जो भी है वो ख़राब है, मगर देखना जब ऑन होने के बाद जो अच्छा है और बुरा है वो अल्लाह जाने। बस इंशाल्लाह एमएलए साहब आके वेरिफिकेशन करे और एलएनटी वालों के पास गए और माशाल्लाह उन्होंने रिस्पॉन्सिबल लेके हमने सब एक भरोसा दी कि इंशाल्लाह अल्लाह के बाद उन्हें हेल्प करेंगे। मुजाहिद भैया बुलाले को आए एमएलए साहब को यहाँ पे, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू अवर मुजाहिद भैया कि पहला आदमी जो आके हमारे इतना मदद करे और इतना बाजू बिठा के जो तसल्ली दिए, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, इंशाल्लाह जान बची तो लाखों पाए, तो मुजाहिद भैया जो भरोसा दिलाए बस इसमें हमें बहुत खुशी। आपका पूरा नाम बताइए और बताइए कि क्या क्या नुकसान हुआ है और जिस वक्त ये हालात पेश आए उस वक्त आप कहाँ? मेरा नाम वसीम अहमद है, हमारे बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर में मेरा घर है, बिल्कुल आग के 6 फीट दूर था, हमारे बीवी और हमारी माँ और मेरा छोटा सा बच्चा ये आग के अंदर दब गए थे, मई जाको बाद इनको निकाल के बाहर लेकर आया, और बहुत नुकसान होकर है, बिल्डिंग को भी होकर है, जाना बच गए, और दूसरी बात जो है हमारे एमएलए साहब उन्होंने सब आके बात करके वो नुकसान पूरा करको देती हूँ को बोली, और मुजाहिद भैया भी इनके साथ मिलकर बात करी करको देती हूँ बोली। आप दोनों के अलावा किसी और को नुकसान हुआ, किसी की जान पर? नहीं नहीं, सबको हमें सेफ कर लिए, यहाँ के बम्बू बाज़ार के नौजवान सब मिलके उनको सेफ करे, 2-3 बिल्डिंग में अंदर आदमी लोग अटक गए थे उनको निकाले बाहर। ये हादसे को लेकर आपसे एमएलए से शिकायत
यहाँ से एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट हुआ है, किसी से शिकायत नहीं है, किसी से ये नहीं है, हमारा कुछ था, आप हमारी जान बचे, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा है बस।